जिला आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण योजना के तहत बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक अपर जिलाधिकारी वित्त विधान जायसवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम वित्त विधान जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए वार्षिक कार्य योजना 31 मई तक पूरा कर लें। इसके साथ संवेदनशील एवं क्षतिग्रस्त हुए बंधों की मरम्मत आदि का कार्य 15 जून तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ से पूर्व संबंधित अधिकारी बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों बंधों का समय के पूर्व निरीक्षण करें और जनपद में छोटी एवं बड़ी नाव की उपलब्धता सुनिश्चित करा लें। विधान जायसवाल ने निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम 10 जून तक तथा तहसील स्तर का कंट्रोल रूम 15 जून तक सक्रिय करते हुए इसका प्रचार प्रसार भी करें। बैठक में एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, तहसीलदार संजीव दीक्षित, आपदा प्रबंध के गौतम गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। क्या कार्रवाई की है, आपके पास क्या बजट है, कंटेस्टेड पॉइंट्स थे उनको क्या आपने राजस्व विभाग से चेकिंग कराया है, इसके अलावा जो आपके बंदे हैं उनको क्या पिछली बार आपने अपने स्तर से उनकी जांच कराई थी, ज्वाइंट इंस्पेक्शन फोटो के साथ चेकिंग सेंसिटिव पॉइंट्स संबंध के अंतर्गत तीनों खंडों द्वारा 19 करोड़ 71 लाख की बनाई गई है, इसमें कि अभी 1 रुपये का धन आवंटन भी नहीं हुआ। इसके साथ जो है काम जो है अंदर और इत्यादि की प्रक्रिया भी जो है काफ़ी राहत मिली थी, निश्चित रूप से आवंटन ऑन एवरेज हम बता रहे हैं, मतलब यही उसी के प्रधान मंत्री ठीक काम करेंगे और अन्य खंडों को आपको बताएंगे। जैसे आप हमारे खंड में सर एक बहुत बदई जगह है, कोई वहाँ पर काम चल रहा है, तो पिछली बार संवेदनशील स्थल बाहर आ रहा है बदई का, इसी तरह वाला मतलब आपको द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें कि मैं बता सकता हूँ बदई बाग में सर भागने में जो है यात्री से लेकर और एलोकेट कर देंगे 2 करोड़ 25 लाख की इनकी कार्य योजना अनुमोदित है। वो चलिए जो बजट आना है वो उसके बारे में चिन्हीकरण जो पिछली बार आपने सर्वे किया था, सर्वे क्या हो गया है कि अभी करना है? सर संवेदनशील अभी संवेदन कोई रिपोर्ट हमारे यहाँ आए थे आपका कार्यालय सर भेजी गई है, फंड से आया है, एक फंड से आया, एक फंड से आया है, दो वार्ड दो ड्रेनेज फंड से नहीं आया, वार्ड खंड दो से भी अभी सर मुझे सुबह प्राप्त हो जाए से भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, से नहीं आया आप दीजिए और संबंधित जिलाधिकारियों को भी कॉपी करिए। सर ये भी हो गया है आगे निकल के आपको जो डायरेक्शन में आए देखिए चौहान के साथ एक्शन साहब आप लोग गए सफल हो गए और अभी पत्र भी आप लोगों को हमारे जो एक्सिन साहब को और एसडीएम साहब को पत्र दिया हुआ है फॉर्मेट के साथ और बंधुओं की सूची के साथ मिल गया सभी को। इसमें आप लोग पहले की अपनी ऑफिस फाइल निकाल लीजिएगा, उसमें जिस तरीके से रिपोर्ट बनी थी और कई राउंड में निरीक्षण हुआ था, क्योंकि देखिए जो पिछले वर्ष का अनुभव है, पिछले वर्ष बाढ़ बच गई थी लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे हम लोग ये सोच रहे थे कि आज ये स्थिति है, शाम को या रात में क्या स्थिति होगी पता नहीं, पर अगर वहाँ पे वो कट हो गया होता, पानी अगर नदी का इधर चला गया होता तो फिर वो पूरा गांव का गांव रुक जाता। एक एक दिन पिछली बार वाटर लेवल के साथ हम लोग की हार्ट बीट भी बढ़ रही थी घट रही थी और बंदे की स्थिति पर नज़र रखना, उसके समय से आकस्मिकता के स्थिति में जो भी काम कराना हो पर्याप्त आपके पास वो पीपी बैग्स और वो सारी चीज़ें हैं आपके पास जो स्टोर से आपके तो ये आप लोग इंश्योर करा लीजिए बाढ़ होने की तैयारी के पहले ही। तो वो काम हो रहा है तो हो रहा है लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उसके नाम आपने सुनाए सुनाए कुछ सभी लोग सभी तहसीलों में हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स पे जैसे ही वाटर लेवल रेज करता है या फिर पहले से ही हम लोग उनको रेनफोर्स कर लें ताकि वाटर लेवल बढ़े तो उनको बचाया जा सके उन बंदों के उस पॉइंट्स पे।